बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 23 ऑफ ईडीसी। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द मॉस डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू अ सिंपल न्यूमेरिकल वेयर यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट द गेट्स ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर्स हैव बीन जॉइंड टुगेदर एंड कनेक्टेड टू अ सिंगल सप्लाई, डीसी सप्लाई VCM। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट द वैल्यू ऑफ VDD एंड VSS इज 1.5, ऑफ कोर्स माइनस VSS विल बी माइनस 1.5। KNW/L इज गिवन, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज गिवन, दिस DC करंट सोर्स वैल्यू I इज ऑल्सो गिवन, RD इज ऑल्सो गिवन। अच्छा, इन पार्ट ए यू हैव टू फाइंड द ओवरड्राइव वोल्टेज VGS माइनस VT एंड द वोल्टेज VGS। फॉर पार्ट बी यू हैव टू फाइंड VS, ID1, ID2, VD1, VD2। वेन फर्स्ट कंडीशन इज VCM इज 0, VCM इज 1 एंड VCM इज माइनस 0.2। सो आई विल बी डूइंग फॉर VCM इज इक्वल टू 0 ओनली, बोथ दीज पार्ट्स यू हैव टू डू योर सेल्फ। अच्छा, लेट अस बिगिन विद पार्ट ए वेयर वी हैव टू फाइंड VOV। अच्छा, इन द इफ यू कैन रिकॉल इन द स्टडी ऑफ दिस काइंड ऑफ सर्किट इन द लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिराइव दिस इक्वेजन VOV। ठीक है, जब VCM से सर्किट को डेराइव कर रहे थे तो VOV का क्या फॉर्मूला बन रहा था, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया था। इस I का मतलब ना तो ID1 है ना तो ID2 है, इस I का मतलब ये सप्लाई वोल्टेज की करंट की वैल्यू है। तो इसकी जगह मैंने लिखा 0.4 मिली एम्पेयर। KNW/L की वैल्यू गिवन है 4 मिली एम्पेयर, डिवाइड करा VOV जो कि ओवरड्राइव वोल्टेज है, आपको उसका फार्मूला मिल गया। ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये सर्किट अभी हमने इसकी थ्योरी प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी, उसका फार्मूला यहाँ से आया है। सो वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ VOV अवेलेबल, ठीक है, VOV क्या था बेसिकली VGS माइनस VT था। VOV को मैंने VGS माइनस VT एक्सपैंड करके लिख लिया। VT की वैल्यू को आप दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे, 0.316 इसकी VOV की वैल्यू थी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मैंने इसमें ऐड की तो मेरे पास VGS की वैल्यू आ गई। ठीक है, पार्ट ए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इन पार्ट बी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट नहीं की कि तमाम जो वैल्यूज पार्ट बी में मांगी हुई हैं, VS की वैल्यू, I की वैल्यू, ID1, ID2 की वैल्यू, ड्रेन वोल्टेजेस VD1, VD2, ये सब टोटल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं वो बेसिकली DC इन नेचर है। तो अंडरस्टूड है कि इस वक्त जो टोटल सिग्नल होगा ID1, ID2 या VD1, VD2, वो बेसिकली चूंकि सिर्फ DC ही अप्लाइड है तो वो सिर्फ DC पे ही डिपेंडेंट होगा। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल लिखा हुआ है, AC तो है नहीं। जब टोटल लिखा हुआ है और सिर्फ DC वोल्टेज अप्लाइड है तो इसका मतलब है DC वोल्टेज ही इस वक्त आपका टोटल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VGS। VGS फाइंड करना है मुझे, VG माइनस VS में इसको एक्सपेंड करा। गेट वोल्टेज इस वक्त क्या है, VCM है, इसकी जगह मैंने VCM लिखा, VS एज इट इज़। VGS की वैल्यू 0.816 अभी मैंने कैलकुलेट किया, वो आपने लिख दी। प्लीज़ नोट दैट इन पार्ट बी सबसे पहला पार्ट आपने जो करना है VCM की वैल्यू 0 पे सॉल्व करना है। आपको पता है कि पार्ट बी में ये सारा VS जो निकालना है, VD1, VD2 जो निकालना है, या जो ID1, ID2 निकालना है, VCM की तीन वैल्यूज़ गिवन है, VCM 0, फिर एक और वैल्यू और एक माइनस 0.2 गिवन है। तो मैं आपको VCM की वैल्यू 0 पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। जब भी अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे VCM की वैल्यू की जगह 0 पुट कर दिया है, जब ये VCM यहाँ पे 0 पुट हो गया तो ये VS की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 0.816 आ गई। आई हैव प्लेस VCM एज 0 वोल्ट बिकॉज पार्ट बी में फर्स्ट पार्ट जो है वो VCM की वैल्यू 0 है, मैंने 0 पुट किया, सोर्स वोल्टेज ही आ गया। करंट I आपके पास 0.41 मिली एम्पेयर गिवन है। चूंकि आपने दोनों के गेट्स के ऊपर सेम वोल्टेजेस अप्लाई किए हुए हैं Q1 Q2 के ऊपर, देयरफॉर द करंट ID1 एंड ID2 आर इक्वल एंड द करंट I इज डिवाइडिंग इक्वली बिटवीन दैम। 0.4 डिवाइड बाई 2 किया, ID1 ID2 आपके पास 0.2 मिली एम्पेयर आ गए, जो कि टोटल या DC सिग्नल दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। VD1 VD2 क्या है, प्लीज़ रिमेंबर कि VD1 और VD2 दे आर रिप्रेजेंटिंग द ड्रेन वोल्टेजेस ऑफ Q1 एंड Q2। इसको फाइंड करने के लिए आसान तरीका है कि ओम्स लॉ अप्लाई करें RD के अक्रॉस, तो VDD माइनस VD1 डिवाइडेड बाय RD बराबर हो जाएगा ये वाला करंट ID1 के, या ID1 करंट ही यहाँ पे फ्लो करे जिसकी वैल्यू है I/2।
ठीक है, जब आप उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो वी डी वन की ये इक्वेशन आ जाएगी वी डी डी माइनस आई डी आर डी। मैंने वी डी वन और वी डी टू को सेम क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों के अंदर जो करंट है वो सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए दोनों की सेम इक्वेशन लिखी है, वी डी डी माइनस आई डी आर डी लिख दिया, क्योंकि आई डी वन और आई डी टू दोनों बराबर हैं, इसलिए मैंने वन और टू नहीं लिखा। वी डी डी की वैल्यू 1.5 पुट की, आई डी की वैल्यू पुट की है यहाँ पे 0.2 मिली एम्पेयर आ रही है, ये रही आर डी की वैल्यू 2.5 किलो पुट की। सॉल्व किया तो वी डी वन और वी डी टू दोनों जो है वो 1 वोल्ट के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब आपने पार्ट ए का तो और कोई पार्ट बचा नहीं है, लेकिन पार्ट बी का यही सारा जो प्रोसीजर है ये हो गया, और ये जो प्रोसीजर है ये आपने सॉल्व करना है। वी सी एम की दो नई वैल्यूज गिवन है, उसके लिए आप खुद से सॉल्व करके अपने पास रख लें। सो फार वी हैव अप्लाइड ओनली डी सी सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑपरेशन विद अ डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अप्लाइड ऑन द गेट्स। इसके लिए क्या किया है कि गेट टर्मिनल ऑफ टू को तो ग्राउंड रखा गया, और गेट नंबर वन के ऊपर जो है वो एक ए सी सिग्नल अप्लाई किया गया, जिसका नाम कह रहे हैं वी आई डी। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ दिखा दी है कि वी जी गेट ऑफ टू के ऊपर जो सिग्नल है वो जीरो है, और गेट ऑफ वन के ऊपर जो सिग्नल है वो वी आई डी है। इसको कह रहे हैं डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। डिफरेंशियल का क्या मतलब है, एनी इनपुट वोल्टेज विच इज द डिफरेंस बिटवीन द टू गेट वोल्टेजेस। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वी आई डी एक डिफरेंशियल सिग्नल है। डिफरेंशियल का मतलब होता है द डिफरेंस सिग्नल बिटवीन गेट ऑफ वन एंड गेट ऑफ टू, बट एट द सेम टाइम मुझे नज़र आ रहा है कि टू के गेट के ऊपर तो मैंने ग्राउंड लगाया हुआ है, और इनपुट तो मैंने सिर्फ एक टर्मिनल पे अप्लाई किया हुआ है, तो मैं इसको डिफरेंशियल का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों के दरमियान का डिफरेंस कैसे बना। तो इसके लिए आप सबसे पहला काम ये करें कि एक केवीएल अप्लाई करें यहाँ से लेके यहाँ तक। वी विल बी अप्लाइंग अ केवीएल टू सी वाई आर दे कॉलिंग दिस वी आई डी एज अ डिफरेंशियल सिग्नल, जबकि नज़र ये आ रहा है कि वी आई डी सिर्फ एक पे अप्लाइड है और दूसरे को ग्राउंड किया, तो ये डिफरेंशियल सिग्नल कैसे है। देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज है वो VGS1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज है वो क्या है, VGS2 है। नाउ लेट अस अप्लाई अ केवीएल ओवर दिस लूप, माइनस ऑफ वी आई डी प्लस ऑफ वी जी एस वन माइनस ऑफ वी जी एस टू इज इक्वल टू जीरो। यही केवल मैंने यहाँ लिखा है, माइनस वी आई डी प्लस वी जी एस वन माइनस वी जी एस टू इज इक्वल टू जीरो, जिससे मुझे पता चला कि अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो वी आई डी इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ वी जी एस वन एंड वी जी एस टू। इसी को रीअरेंज कर लिया है, वी जी एस वन और वी जी एस टू का डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब होगा क्या, अगर कभी भी वी आई डी सिग्नल पॉजिटिव होगा तो वी आई डी बराबर किसके है, वी आई डी इसके बराबर है। वी आई डी सिग्नल के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि वी जी एस वन की वैल्यू बड़ी थी और वी जी एस टू की वैल्यू कम थी, यही है ना। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो क्या है, इसका मतलब वी जी एस वन बड़ा है, वी जी एस टू कम है। यही मैंने लिखा है कि अगर वी आई डी आप पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वी जी एस वन खुद बखुद से वी जी एस टू से बड़ा एडजस्ट हो जाएगा, खुद बखुद ऑफकोर्स। जब वी जी एस वन बड़ा होगा वी जी एस टू से तो क्या होगा, क्यू वन का करंट ज़्यादा होगा आई डी वन, और क्यू टू का जो करंट होगा आई डी टू वो कम हो जाएगा। यानी जब वी जी एस जिसका ज़्यादा है उसका आई डी बड़ा होगा, वी जी एस जिसका कम है उसका आई डी कम होगा। लेकिन अगर मैं वी डी वन और वी डी टू की बात करूँ तो वी डी वन कम होगा, वी डी टू ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ज़रा वी डी वन की इक्वेशन को देख लें। वी डी वन की इक्वेशन होती है वी डी डी माइनस आई डी आर डी, वी डी वन की इक्वेशन है। अगर ये आई डी वन, मैं इसकी बात कर रही हूँ, अगर आई डी वन करंट ज़्यादा है तो वी डी वन कम क्यों आ रहा है। अगर आई डी वन करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये जो माइनस हो रहा है वी डी डी में से जो फैक्टर वो ज़्यादा है। आई डी वन ज़्यादा है मीन्स जो माइनस हो रहा है वो फैक्टर वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी डी डी में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ भी, तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर ये करंट कम हुआ, आई डी टू करंट कम हुआ, तो इसका मतलब है ये ओवरऑल ये फैक्टर जो है वो छोटा हो गया। अगर ये फैक्टर छोटा हो गया तो वी डी डी में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, क्या होगा, वी डी टू बड़ा हो जाएगा। तो पता ये चला
कि अगर ID1 ID2 से ज़्यादा होगा तो VD1 VD2 से कम होगा, ठीक है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जब मैं VD1 माइनस VD2 कैलकुलेट करूँगी तो चूंकि VD1 कम है, ये सब कुछ बिल्कुल जनरलाइज टर्म में चल रहा है, हम एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, कौन सी वैली ज़्यादा होगी कौन सी वैली कम होगी, एक जनरलाइज टर्म्स में हम ये सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जब VD1 VD2 से कम होगा तो VD1 माइनस VD2 क्या होगा, ज़ाहिर है नेगेटिव आएगा, और VD2 माइनस VD1 क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा। इन द रिवर्स सिनेरियो, अगर मैं VID जो कि AC सिग्नल जो कि मैं सिर्फ Q1 के इनपुट पे अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ मैंने एक टर्मिनल पे दिया है, अगर मैं ये VID नेगेटिव अप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब क्या है कि VGS2 की वैल्यू VGS1 से ज़्यादा है। ये प्रीवियस पेज पे जो इक्वेशन है VID की उस पर डिपेंडेंट है। जब VGS2 ज़्यादा है तो इसका मतलब ID2 ज़्यादा होगा ID1 से। और अभी मैंने जैसे कि बताया जिसका करंट ज़्यादा होता है उसका ड्रेन का वोल्टेज कम होता है, तो जब ID2 ज़्यादा है तो VD2 कम होगा, और ID1 जब कम है तो VD1 ज़्यादा होगा। जब अभी मैं VD1 और VD2 का डिफरेंस निकालूं तो चूंकि VD2 कम है VD1 ज़्यादा है तो VD1 माइनस VD2 पॉजिटिव आ जाएगा, VD2 माइनस VD1 नेगेटिव आ जाएगा। अब इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि प्रीवियसली हम स्टडी कर रहे थे कि जब दोनों के गेट पे सेम DC वोल्टेज दे रहे थे, द करंट वॉज डिवाइडिंग इक्वली बिटवीन द टू टर्मिनल्स, दोनों का ड्रेन वोल्टेज सेम आ रहा था, और जब उनका डिफरेंस निकाल रहे थे तो वो ज़ीरो आ रहा था, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि हम बेसिकली किसी एक टर्मिनल को ग्राउंड करके दूसरे के ऊपर एक AC सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जो कि दर हकीकत दोनों के गेट टू सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस बन जा रहा है ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ KVL, अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखी, और उसके नतीजे में ड्रेन वोल्टेज ऑफ वन और ड्रेन वोल्टेज ऑफ टू सेम नहीं आ रहे, बल्कि जब हम VID नेगेटिव अप्लाई करते हैं तो VD1 माइनस VD2 का कुछ आंसर आ जाता है जो पॉजिटिव होता है, और VD2 माइनस VD1 का कुछ आंसर आता है जो नेगेटिव होता है, और ज़ाहिर यही चीज़ वाइस वर्सा में चलेगी अगर VID आपने पॉजिटिव अप्लाई किया। तो पता ये चला कि जब हम डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे इस तरीके से तो VD1 और VD2 का डिफरेंस ज़ीरो नहीं आ रहा होगा बल्कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। दिस मीन्स दैट दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंशियल सिग्नल, ये सेम DC सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। रिस्पॉन्ड ना करने का क्या मतलब है, रिस्पॉन्ड ना करने का मतलब है कि सेम DC वोल्टेज दोनों के गेट पे अप्लाई करने से DC वोल्टेज बराबर आया और जब डिफरेंस निकाला तो ज़ीरो आ गया। जब हमने VID इस तरह से अप्लाई किया कि VID किसी एक टर्मिनल पे दूँ दूसरे को ग्राउंड करूँ तो VID दर हकीकत इन दोनों का डिफरेंस वोल्टेज बन गया, और उसने जो VD1 VD2 प्रोड्यूस किए उनका वो सेम प्रोड्यूस नहीं किए, उनका VD1 और VD2 के डिफरेंस का कुछ आंसर आना शुरू हुआ। सो वी कैन से दैट द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशियल सिग्नल्स एट द इनपुट एंड इट इज रिजेक्टिंग सिमिलर सिग्नल्स एट द इनपुट। सिमिलर सिग्नल जो इनपुट पे आ रहे हैं वो उनके लिए जीरो डिफरेंस आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट जो इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नाउ वी विल सी कि VID ये जो मैंने अभी सिर्फ Q1 के बेस पे अप्लाई किया हुआ है जिसके नतीजे में मुझे ये नज़र आ रहा है कि ID1 और ID2 की दोनों ज़्यादा या कम कुछ ना कुछ वैल्यू है, मैं VID को पॉजिटिव या नेगेटिव रख के ये देख रही हूँ कि इसमें भी कुछ ना कुछ करंट है और इसमें भी कुछ ना कुछ करंट है, और एक किसी एक का ज़्यादा है किसी एक का कम है। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि VID की ऐसी में क्या वैल्यू पुट करूँ कि सारा का सारा करंट I जो यहाँ पे है वो स्विच कर जाए Q1 के अंदर, या VID की मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि सारा का सारा करंट Q2 में स्विच कर जाए और Q1 जो है वो ऑफ हो जाए। Now let us see that value of VID. Okay, now we will see के VID की वो कौन सी वैल्यू है जिस पे कि सारा का सारा करंट Q1 में शिफ्ट होगा। तो देखें VID के लिए इक्वेशन अभी हमने डराइव की है कि ये बराबर है VGS1 माइनस VGS2 के, ये KVL से निकाली है। मैं VID की वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ वेयर ऑल द करंट विल स्विच टू Q1 एंड Q2's करंट विल बिकम ज़ीरो। तो मैं अज्यूम करी हूँ
कि VID की मैक्सिमम वैल्यू क्या है. इसके लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि VGS1 अगर किसी हाई वैल्यू पे पहुँच जाएगा तो सारा का सारा करंट Q1 के अंदर होगा, और Q2 का VGS अगर बिल्कुल थ्रेशोल्ड के बराबर होगा. प्लीज नोट कि सैडरल स्मिथ के अंदर ऑल्दो ये दिखाया गया है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर मॉस्फेट का चैनल बन जाता है, लेकिन इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर चैनल इतना बारीक होता है कि मॉस्फेट का करंट जीरो रहता है. पूरी सैडरल अजम्पशन से डिजाइन हुई भी है कि अगर मॉस्फेट के गेट के ऊपर VGS जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो इतना अप्लाई कर रहे हैं कि वो सिर्फ थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है मॉस्फेट का VGS, तो ठीक है उसका चैनल क्रिएट हो गया होगा VT की वैल्यू से, बट इट्स करंट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली जीरो बिकॉज द चैनल वुड बी वेरी मच थिन. ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा करें कि VGS1 किसी बहुत हाई वैल्यू पे चला जाए और Q2 का VGS थ्रेशोल्ड वोल्टेज जितना चला जाए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद सारा का सारा करंट जो है वो Q1 में होगा, Q2 ऑफ होगा. अच्छा, इसी VGS2 को मैंने बेसिकली एक्सपेंड करके लिखा VG2 माइनस VS2 इज इक्वल टू VT, और मैंने ये भी देखा कि VG2 बेसिकली इस वक्त क्या था. VG2 बेसिकली इस वक्त जीरो वोल्टेज पे था, मैंने VG2 को जीरो कर दिया. तो सोर्स वोल्टेज ऑफ 2 का आंसर क्या आया? सोर्स वोल्टेज ऑफ 2 का आंसर आया माइनस ऑफ VT. ओके, लेट दिस बी हियर. अच्छा, एट द सेम टाइम मुझे ये पता है कि मैं कह रही हूँ कि Q2 जो है वो बेसिकली ऑफ हो जाएगा क्योंकि उसके VGS इतना कम है, और मैं ये भी कह रही हूँ कि Q1 जो है वो ऑन हो जाएगा और उसने सारा का सारा करंट I जो यहाँ पे है अवेलेबल इसको ले लिया होगा. तो जब भी मैंने ID1 के अंदर I/2 नहीं दिखाया बल्कि पूरा I दिखा दिया कि ID1 Q1 ने पूरा I करंट ले लिया होगा, और वो I करंट Q1 के सैचुरेशन करंट के बराबर होगा, हाफ के NW/L VGS1 माइनस VT होल स्क्वायर. इससे बेसिकली मैं VGS1 माइनस VT का आंसर फाइंड कैसे कर लूँ कि I के नीचे ये 2I से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में KNW/L आ गया, VGS1 माइनस VT का होल स्क्वायर था, इसके पूरे के ऊपर आ गया रूट. और अगर मैं कहूँ कि VGS1 मुझे चाहिए तो मैं इस VT को दूसरी साइड पे ले जाऊँगी, VGS1 प्लस VT यहाँ पे आ गया. ये मैंने बेसिकली क्या किया है, अगर आपको रिकॉल करें तो रूट आई डिवाइडेड बाय KNW/L ये सब कुछ रूट में VOV के बराबर होता है, ओवरड्राइव वोल्टेज के. तो मैंने इसमें से रूट 2 को अलग करके जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें रूट के अंदर बच रही हैं उसको इस पूरी की जगह मैंने VOV लिख दिया. तो अब मुझे पता चला कि VGS2 जब मैंने थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर रखा हो और VGS1 जब मैंने इस वोल्टेज के बराबर रखा हो, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सारा का सारा करंट जो है वो Q1 के अंदर शिफ्ट हो चुका होगा. इस VGS1 से मैं अब निकालने की कोशिश करूंगी कि वो क्या VID हो जिसके ऊपर सारा का सारा करंट Q1 में स्विच हो चुका हो. मैंने कहा VID मैक्स बेसिकली किसके बराबर होगा, ये तो हमें पता ही है कि VGS1 और VGS2 के डिफरेंस के बराबर होता है. VGS2 को हमने सेट किया हुआ है VT के ऊपर, वो तो एज इट इज़ है. VGS1 बेसिकली मैंने रिवर्स तरीके से निकाला कि मैंने कहा कि सारा का सारा करंट मैंने Q1 के अंदर दिखा दिया, मैंने उससे रिवर्स कैलकुलेट किया कि Q1 का जो सारा करंट है वो बेसिकली किस तरीके से यहाँ पर जो है वो आके VGS1 बना रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे तो अब जो VGS1 आया उस VGS1 को रूट 2 VOV प्लस VT मैंने पुट किया, इस VT से ये कैंसिल हो गया. अगर मैं VID की वैल्यू को रूट 2 टाइम्स ओवरड्राइव वोल्टेज के जितना अप्लाई करूँ, तो ये जो VID होगा सिग्नल ये इतना होगा कि ये सारा का सारा करंट Q1 की ब्रांच में खींच लेगा और Q2 को ऑफ करा देगा. अब दोबारा से बताती हूँ, हमने बेसिकली रिवर्स मेथड से करा. हमने कहा कि हमें VID की वो वैल्यू चाहिए थी जो सारा का सारा करंट Q1 में खींच लेती और Q2 को ऑफ करा देती. तो किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑफ कराने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका VGS या तो जीरो हो या तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हो.
तो मैंने पहले ही सेट कर दिया कि Q2 का VGS थ्रेशोल्ड के बराबर है। अब मैंने कहा कि Q1 ने चूंकि सारा करंट कंडक्ट करना है तो Q1 का ID1 के अंदर सारा करंट I दिखा दिया, और इससे मैंने रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड कर लिया कि VGS1 कितना है। अब मुझे पता चला कि VGS1 इतना है जो कि सारा का सारा करंट Q1 में खींच सकता है। तो अब चूंकि मुझे VGS1 और VGS2 की वैल्यू पता चल गई कि जिसके ऊपर सारा का सारा करंट Q1 और Q1 में होगा Q2 में नहीं होगा, उससे मैंने VID निकाल लिया। अगर अब मैं ये VID इस पर अप्लाई करूंगी, अब मुझे करना कुछ नहीं है, मैं अगर ये सर्किट बनाऊं, मुझे VGS एडजस्ट नहीं करना, मुझे VGS2 एडजस्ट नहीं करना, अगर मैं ये सर्किट बनाऊं, मैं सिर्फ इस VID की वैल्यू को √2 टाइम्स VOV की वैल्यू पे एडजस्ट कर दूं, तो ऑटोमेटिकली VGS1 इस वैल्यू पे सेट होगा, ऑटोमेटिकली VGS2 थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे सेट होगा, और सारा का सारा करंट Q1 में शिफ्ट हो चुका होगा, Q2 ऑफ हो चुका होगा, ये ऑटोमेटिक होगा। हमने रिवर्स मेथड से VID की वैल्यू को फाइंड किया है। नाउ लेट अस सी कि हम क्या करें कि सारा का सारा करंट Q2 में शिफ्ट हो जाए। अब हम बिल्कुल उसी का रिवर्स प्रोसीजर करेंगे कि अब हमें VID की वो मिनिमम वैल्यू रखनी है कि मैं VID की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि सारा का सारा करंट Q1 से हट के Q2 में चला जाए और Q1 ऑफ हो जाए। अब मैं ऐसा क्या करूं? तो इसके लिए मुझे VGS1 को थ्रेशोल्ड पे रखना होगा क्योंकि Q1 को ऑफ कराना है, और मैं अज्यूम कर रही हूं कि VGS2 किसी हाई वैल्यू पे है जब भी उसने सारा करंट खींच लिया। तो ID2 बेसिकली टोटल I करंट के बराबर होगा, सारा करंट Q2 ने खींच लिया होगा, ले लिया होगा, सॉल्व कर लिया मैंने, 2I इधर ले गई, KNW/L नीचे आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा और VGS2 माइनस VT बचेगा। इस VGS2 माइनस VT में VT की वैल्यू को आप दूसरी साइड पे ले चले जाएंगे और इसकी जगह आप जो है वो I ओवर KNW/L की जगह VOV लिख देंगे। तो VGS2 की ये वैल्यू आपके पास आ गई, VGS2 ये हो और VGS1 सिर्फ थ्रेशोल्ड के बराबर हो, तो आप VID मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। VGS1 की जगह VT लिखा, VGS2 की जगह जो भी आंसर ये मैंने कैलकुलेट किया है माइनस साइन बाहर लगा के इसको रखा, ओपन द ब्रैकेट, VT माइनस VT। तो अगर मैं VID मिनिमम को इस वैल्यू पर सेट कर दूं -√2 ऑफ VOV, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली VGS1 VT पर एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली VGS2 इस वैल्यू पर एडजस्ट हो जाएगा, और खुद ब खुद से Q1 से सारा का सारा करंट जीरो हो जाएगा और सारा का सारा करंट Q2 की ब्रांच में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि VID की मदद से करंट को स्विच कराने के लिए मुझे अपने VID की वैल्यू को √2 VOV और -√2 VOV के दरमियान इन वैल्यूज़ को वैरी करना होगा ताकि हमारा करंट जो है वो Q1 और Q2 के दरमियान जो है वो वैरी कर सके। ओके, सो नाउ वी हैव टू डू अ न्यूमेरिकल विच इज़ एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ द एनालिसिस दैट वी हैव जस्ट कम्प्लीटेड। ठीक है, हेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VID सच दैट Q1 कंडक्ट्स ऑल द करंट एंड देन वी हैव टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग ड्रेन वोल्टेजेस VD1 एंड VD2। प्लीज ऑफ वी विल बी डूइंग द पार्ट ए फर्स्ट, फिर पार्ट बी में क्या करना है, यही सारा काम ऐसे करना है कि सारा करंट Q2 के अंदर शिफ्ट हो जाए और फिर VD1 VD2 फाइंड करना है। एंड इन द लास्ट स्टेप पार्ट सी के अंदर आपने ये करना है कि पार्ट ए के अंदर जो VD1 और VD2 आए थे उनका डिफरेंस निकालना है और पार्ट बी में जो VD1 और VD2 आए थे उनका डिफरेंस निकालना है। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली डाटा है उसी न्यूमेरिकल का जो आपने इससे पहले स्टडी किया था, और कहा यह गया न्यूमेरिकल में कि वही पैरामीटर्स यूज़ करें जो आपने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में किए थे। तो वो पूरा पिछले न्यूमेरिकल का जो भी पैरामेट्रिकल वैल्यूज़ थी वो मैंने उठा के यहाँ पे प्लेस कर ली है। अच्छा ना, स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में कह रहे हैं कि अगर सारा का सारा करंट Q1 ने कंडक्ट करना है तो इसका मतलब है कि जो करंट I सप्लाई वोल्टेज था जो कि 0.4 mA था वो बेसिकली सारा का सारा ID1 के अंदर आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम ID2 क्या है, Q2 चूंकि ऑफ है तो ID2 जो है वो ज़ीरो है।
अब हमें पता है कि ड्रेन वोल्टेज की इक्वेशन, ड्रेन वोल्टेज यहाँ पर होता है, बार बार मैं नहीं बताऊंगी, आप इसको जो है वो एक दफ़ा कैलकुलेट करके रख लें कि ड्रेन वोल्टेज जो है वो ओम्स लॉ से सॉल्व होकर ड्रेन वोल्टेज की ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो VD1 बराबर हो जाएगा VDD माइनस ID इंटू RD, ये लिखा हुआ है VDD माइनस ID इंटू RD। VDD की वैल्यू आपके पास 1.5 है, ड्रेन वोल्टेज सॉरी ड्रेन करंट ऑफ 1 जो है वो पूरा I करंट है 0.4 मिली एम्पेयर, RD की वैल्यू ये थी, उस लिहाज से VD1 की वैल्यू आ गई आपके पास 0.5 वोल्ट। एट द सेम टाइम VD2 क्या है, VD2 VDD माइनस ID2 RD है, लेकिन इस वक्त ID2 करंट जो है वो जीरो है, तो ये जब ये फैक्टर जीरो होगा तो VD2 VDD के बराबर आ जाएगा ये। अच्छा, वैसे तो चले ये हम एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और यहाँ से ऑब्जर्व की जा सकती है कि जब कोई मॉस्फेट ऑफ होता है तो उसका करंट ज़ीरो हो जाता है, और उसके ड्रेन के ऊपर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ड्रेन का वोल्टेज कम होना चाहिए था ना, तो अगर एक मॉस्फेट ऑफ हो जाता है तो उसका करंट ज़ीरो हो जाता है, और उसके ड्रेन के ऊपर रेजिस्टर के लगे होने के बावजूद पूरा VDD वोल्टेज अपीयर होने लगता है। तो अगर आप दायरे प्रैक्टिकली सर्किट्स को आप लोग परफॉर्म करेंगे, तो अगर किसी मॉस्फेट के ऊपर आपने VDD सप्लाई भी लगाई हुई है, RD रेजिस्टेंस भी लगाई हुई है, और उसके बावजूद उसका ड्रेन वोल्टेज पूरा VDD सप्लाई के बराबर आ रहा है, इट सिंपली मीन्स दैट कि आपका वो मॉस्फेट ऑफ है। अगर कोई मॉस्फेट ऑन होता है तो उसका ड्रेन वोल्टेज VDD से कुछ ना कुछ कम वैल्यू आ रही होती है, जैसा कि मैं ड्रेन वोल्टेज ऑफ 1 के अंदर देख सकती हूँ। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक अलग सी बात थी। नाउ लेट अस कंटिन्यू। हमें कहा गया था वो VID फाइंड करें जिसके ऊपर Q1 सारा का सारा करंट को ड्रॉ कर ले। तो VID, ये सारी क्वेश्चंस में प्रीवियस जो एनालिसिस अभी हमने ख़त्म की है उससे यूज़ करियो कि VID VGS1 माइनस VGS2 के बराबर थी। हमने देखा था कि VGS2 VT के बराबर रखना था और VGS1 √2 VOV प्लस VT के बराबर रखना था, जिसमें से हमें कैंसिल करना था, इन दोनों को कैंसिल हो जा रहे थे, √2 VOV बच रहा था। √2 एज इट इज रखा, VOV की जगह उसका फॉर्मूला पुट किया आपने, तो आपके पास वैल्यू आई कि अगर VID की वैल्यू 0.447 रख देंगे तो खुद ब खुद से VGS2 VT पे सेट हो जाएगा, VGS1 √2 VOV प्लस VT पे सेट होगा, और सारा का सारा करंट ट्रांजिस्टर Q1 के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस गो टू पार्ट बी। पार्ट बी भी अगर आप अंदाज़ा करें तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, उसमें जो है वो ID2 पूरा करंट हो जाएगा और ID1 जो है वो जीरो हो जाएगा। लेट अस सी दैट। ठीक है, पार्ट बी में ID2 पूरा का पूरा करंट हो गया, ID1 आपका जीरो हो गया। जब ID1 जीरो हुआ तो VD1 पे पूरा 1.5 वोल्ट आने लगा और VD2 पे 0.5 आने लगा। ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये आप सारा सॉल्व करके पार्ट ए से देख के, जो डिटेल में मैंने सॉल्व किया है वहाँ से देख के पूरी कैलकुलेशन करके लिखेंगे। मैंने ज़्यादा इस वक्त यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू पार्ट ए। VID इस केस में, अच्छा एक बात ये जहन में रखने की है कि VID का फॉर्मूला, चाहे हम Q1 एनालाइज कर रहे हों या Q2, इन ऑल द केसेस द फॉर्मूला फॉर VID इज डिफाइंड टू बी VGS1 माइनस VGS2, इट इज़ नॉट चेंज, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज जो लगी है वो गेट ऑफ 1 के ऊपर लगी हुई है। दैट इज़ वाई दिस फार्मूला विल नॉट बी चेंज टू VGS2 माइनस VGS1, नो, ये डिफाइंड फार्मूला है इस सर्किट के लिए। ठीक है, अच्छा अब अगर आप कहते हैं कि चूंकि अब इस दफ़ा जो है वो आपका VGS1 जो है वो किसके बराबर है, VT माइनस √2 VOV के बराबर है आपका, और VGS2 सिर्फ जो है वो VGS1 जो है वो आपका सिर्फ VT के बराबर है, और VGS2 ये पूरी चीज़ ये जो नज़र आ रहा है √2 VOV प्लस VT के बराबर था, लेकिन ब्रैकेट में था ये, इसलिए कि बाहर माइनस था, तो ये टर्म भी माइनस हो गई है, ये भी माइनस हो गई। इसका अच्छा तरीका ये है कि गो टू 2-3 स्लाइड्स बैक, VGS2 की वैल्यू √2 VOV प्लस VT आपको मिलेगी, वो वैल्यू आप इसमें पुट करें, बाहर माइनस है तो ओपन होके ये दोनों टर्म्स माइनस में आ जाएंगी। मैंने ज़ाहिर है एक स्टेप जो है यहाँ स्किप किया हुआ। अच्छा, जब ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास माइनस √2 VOV बचेगा, VID आपके पास माइनस 0.447 है, जिसका मतलब है कि अगर मैं VID की वैल्यू माइनस में पुट कर देती हूँ तो सारा का सारा करंट खुद ब खुद से Q2 में शिफ्ट होगा, खुद ब खुद से Q1 ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। अच्छा,
मैंने पार्ट ए के अंदर वी डी वन वी डी टू फाइंड किए थे, पार्ट बी में भी वी डी टू वी डी वन फाइंड किए हैं। पार्ट ए में जो वी डी टू और वी डी वन था उनका क्या आंसर था, वी डी टू 1.5 था, वी डी 1.5 था, 1 वोल्ट आंसर था प्लस 1। पार्ट बी में वी डी 2.5 आ रहा था, वी डी 1.5 आ रहा था, इसका आंसर था -1। तो वो सिर्फ ये बता रहे हैं इन दी एंड कि वी डी 1 वी डी डिफरेंस का आंसर पार्ट ए में क्या था, डिफरेंस का आंसर पार्ट बी में क्या था। जो मिनिमम तरीन वैल्यू है वी डी 2 माइनस वी डी 1 की वो ये है, जो मैक्सिमम तरीन वैल्यू है वी डी 2 माइनस वी डी 1 की वो ये है। तो सिंपली एक एंड में ये लिखवा दिया कि डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज वी डी 2 माइनस वी डी 1 वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा होगा, या उसमें क्या कहाँ से कहाँ तक का चेंज आ रहा होगा, -1 से लेकर +1 वोल्टेज तक का उसमें चेंज आ रहा होगा। ओके, नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू फाइंड द डिफरेंशियल गेन ऑफ द सर्किट। First of all, try to observe that this is the same differential amplifier that we have been studying. The gate terminals are labeled as G1 and G2, and the voltage on G1 is VCM plus VID by 2, and the voltage on gate 2 is VCM minus VID by 2. These both are actually representing total signals, and now these total signals comprise of both the DC signal and the AC part. चेंज क्या नज़र आ रहा है कि अब तक आप देखते आ रहे थे कि वी वर राइटिंग द टोटल सिग्नल बट वी वर ओनली अप्लाइंग डीसी सिग्नल्स, हम सिर्फ वीसीएम अप्लाई कर रहे थे जो कि दोनों टर्मिनल्स पे कॉमन था। अब जो है हम डीसी सिग्नल के साथ साथ इस वाले के गेट पे प्लस वीआईडी बाय 2 दे रहे हैं और इस वाले के गेट पे माइनस वीआईडी बाय 2 दे रहे हैं, जो कि दोनों एसी सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहा यह आपसे जा रहा है कि डीसी वैल्यूज़ और स्मॉल सिग्नल गेन फाइंड करें, तो इसका मतलब है डीसी वैल्यूज़ और स्मॉल सिग्नल एनालिसिस आपने करनी है, डीसी और एसी एनालिसिस करनी है आपने बेसिकली। अच्छा, प्लीज़ नोट कि देखें वीसीएम अप्लाई करने का क्या मतलब है, वीसीएम अप्लाई करने का मतलब है द गेट्स ऑफ बोथ आर टाइट टुगेदर एंड कनेक्टेड टू अ सिंगल डीसी सप्लाई, और प्लस वीआईडी माइनस वीआईडी का मतलब है इस पे अलग से एक एसी सोर्स है जिसका सोर्स है प्लस वीआईडी बाय 2, इसकी एक सोर्स है माइनस वीआईडी बाय 2, इसका मतलब ये हुआ। फॉर सिंप्लिसिटी ये चीज़ें यहाँ अलग से लिख के दिखा दी गई हैं, यहाँ पे बनाई नहीं गई है, वरना दायरे यहाँ पे दो तारें डीसी वोल्टेज के लिए आ रही होती हैं, फिर एसी की इसकी अलग आ रही होती, इसकी अलग आ रही होती, तो फॉर सिंप्लिसिटी ये चीज़ फिलहाल यहाँ लिख के रख दी गई है। डीसी एनालिसिस मैंने परफॉर्म नहीं की है सर्किट की, क्यों परफॉर्म नहीं की है, बिकॉज VCM mean any common DC signal applied to the gates of both, दोनों के गेट पे जो कॉमन DC signal है वो अप्लाई करें। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो लेक्चर 22 के अंदर लास्ट 3 स्लाइड्स में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि जब हम VCM अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों के गेट के ऊपर तो क्या करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये भी I by 2 हो रहा था, ये भी I by 2 हो रहा था, उसके नतीजे में VD1 क्या प्रोड्यूस हो रहा था, VD2 क्या प्रोड्यूस हो रहा था, ये सब हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो इसका मतलब है इस वक्त तो मैं उसको लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, बट अगर पेपर में सपोज करें ऐसा सर्किट आता है और ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो पहले आप लेक्चर 22 की जो लास्ट 3 स्लाइड्स थी जिसमें डीसी एनालिसिस की गई थी कि करंट आई जो है वो इसमें आधा डिवाइड होगा, इसमें आधा डिवाइड होगा, उस लिहाज से जीएम कैलकुलेट किया हुआ था, उस लिहाज से वी ओ वी कैलकुलेट किया हुआ था, आप पहले वो सारी डीसी के एनालिसिस करके दिखाएंगे, ठीक है। वो एनालिसिस मैंने पूरी यहाँ रिपीट नहीं किया, मैंने यहाँ पर बता दिया है कि लास्ट 3 स्लाइड्स जो हैं लेक्चर 22 की वो वीसीएम की डीसी एनालिसिस को इंडिकेट करी है, वही चीज़ वीसीएम यहाँ पर भी अप्लाइड है, तो वही फॉर्मूलाज डीसी के लिए यहाँ पे भी लगेंगे। नाउ लेट अस बिगिन विद द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ द सेम सर्किट। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस जब मैं करने लगी सर्किट का तो मैंने क्या किया, वीडीडी सप्लाई जहाँ पर मौजूद थी मैंने वहाँ पर सबसे पहले तो ग्राउंड दिखा दिया, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, मैंने डीसी सप्लाईज गेट पर जो थे वो हटा दिए, बल्कि मैंने अब गेट पे जो एसी सप्लाई है प्लस वीआईडी बाय 2 और इसके गेट पे जो सप्लाई है माइनस वीआईडी बाय 2 ये सेपरेटली मैंने यहाँ शो कर दिए, ठीक है। एट द सेम टाइम इस करंट सोर्स को बेसिकली मैंने ओपन सर्किट कर दिया क्योंकि एक डीसी करंट सोर्स है। सो दिस इज़ द सर्किट फॉर विच आई हैव टू डू द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। प्लीज़ नोट के गेट और सोर्स ज़ाहिर इसके यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो वी जी एस वन इसमें अभी भी एग्जिस्ट करता होगा बट ऑफ ए सी नेचर, जब भी यू कैन से सी ऑल द अल्फाबेट्स रिटन इन स्मॉल लेटर। If I apply a KVL from here to here, मैं यहाँ से एक KVL apply करूँ, I would find this KVL applicable minus of VID by 2 plus of VGS 1 minus of VGS 2 and plus of
माइनस वी आई डी बाई टू, ठीक है। ये केवीएल आया, ये भी माइनस वी आई डी बाई टू बन गया, ये भी माइनस वी आई डी बाई टू बन गया, तो ये दोनों हाफ हाफ हैं बेसिकली, वन बन गए। तो इसकी जगह मैंने वी जी एस वन माइनस वी जी एस टू तो एज इट इज लिखा, इन दोनों की जगह मैंने बेसिकली माइनस वी आई डी लिख दिया और अगले स्टेप में वी आई डी को दूसरे साइड पर लेके चली गई। तो आई गेट दिस वी आई डी इक्वल टू वी जी एस वन माइनस वी जी एस टू, वी आई डी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। यानी कि जिस तरह हमने देखा था के डीसी वोल्टेजेस वीजीएस वन और वीजीएस टू का डिफरेंस हो रहा था, उसी तरह से एसी वोल्टेज भी वीजीएस वन और वीजीएस टू का डिफरेंस है वीआईडी के लिए। नाउ वी ऑलरेडी नो कि स्मॉल सिग्नल मॉडल जब आप बनाते हैं तो आईडी जो है वो स्मॉल सिग्नल मॉडल में करंट सोर्स होती है जीएम वीजीएस वन, आपको याद होगा वो जीएम वीजीएस वन एक्चुअली में ड्रेन करंट ऑफ मॉस्फेट को ही तो इंडिकेट कर रही होती है। तो मैंने इस वक्त मैं वही बता रही हूँ कि दिस इज मेथड वन वे आर वी आर नॉट ड्राइंग द मॉडल ऑफ ईच ट्रांजिस्टर सेपरेटली। इस वक्त हम दोनों ट्रांजिस्टर्स का मॉडल सेपरेटली ड्रॉ नहीं कर रहे, बल्कि कुछ इक्वेशंस हमें पता है हम उसको यूज़ करते हुए स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने टोटल का स्मॉल सिग्नल मॉडल तो बना दिया, लेकिन अब मुझे ये अज्यूम किया कि मुझे पता है कि जी एम वी जी एस वन जो कि करंट सोर्स होती है किसी भी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के अंदर, किसी भी मॉस्फेट के अंदर जी एम वी जी एस उसका नाम होता है, दैट इज़ एक्चुअली द आई डी ड्रेन करंट ऑफ द मॉस्फेट, स्मॉल सिग्नल ही होगा ना वो करंट। तो मैंने जी एम वन लिखा, वी जी एस वन बेसिकली किसके बराबर है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का के वी एल लगाऊँ तो माइनस ऑफ वी आई डी बाई टू प्लस वी जी एस वन, तो वी जी एस वन बेसिकली वी आई डी बाई टू के बराबर है। एट द सेम टाइम माइनस ऑफ वी जी एस टू, अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का केवीएल लगाऊं इन ऑर्डर टू फाइंड कि वी जी एस टू और वी आई डी में क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस ऑफ वी जी एस टू प्लस वी आई डी प्लस ऑफ दिस फैक्टर के बराबर है, जिसका मतलब है कि वी जी एस टू जो है वो माइनस ऑफ वी आई डी बाई टू के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, वी जी एस टू की जगह मैंने माइनस ऑफ वी आई डी बाई टू लिखा। अगर किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि मैं केवीएल सिर्फ यहाँ तक के पॉइंट पे क्यों लगा रही हूँ, या मैं यहाँ तक के पॉइंट पे सिर्फ केवीएल क्यों लगा रही हूँ कि वी जी एस वन प्लस वी आई डी बाई टू के बराबर कैसे हो गया और वी जी एस टू माइनस वी आई डी बाई टू के बराबर कैसे हो गया, तो अभी जब मैं मेथड टू एक्सप्लेन करूँगी उसमें मैं इस पॉइंट के वोल्टेज को भी अभी डिस्कस करूँगी, ये चीज़ आगे जाके क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अभी हमें पता चल गया कि वी जी एस वन प्लस वी आई डी बाई टू के बराबर है, वी जी एस टू माइनस वी आई डी बाई टू के बराबर है। अब आपके पास आई डी वन आई डी टू आ गए। जब आपके पास आई डी वन आई डी टू आ गए तो इस वक्त इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए ज़रा ओमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए जो कि बराबर है वी नॉट वन। वी नॉट वन बेसिकली क्या है, वी नॉट वन बराबर है ज़ीरो माइनस आई डी वन इंटू आर डी, ठीक है। ज़ीरो माइनस आई डी वन इंटू आर डी बराबर हो गया वी नॉट वन के, तो मैंने यहाँ ज़ीरो लिखा ही नहीं है, ज़ीरो माइनस आई डी वन आर डी मैंने ये लिख दिया। आई डी वन की बेसिकली मैंने वैल्यू पुट की, ठीक है। आई डी वन की वैल्यू क्या है, जी एम वन वी आई डी बाई टू, ये माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है, आर डी। अगर मैं वी नॉट टू के लिए फॉर्म करूँ यही फॉर्मूला, तो वो होगा ज़ीरो माइनस आई डी टू आर डी, यही लिखा है। वी नॉट टू बराबर है ज़ीरो, ज़ीरो मैंने लिखा नहीं है, माइनस आई डी टू आर डी, माइनस का साइन वही रहा, आई डी की वैल्यू है जी एम टू माइनस वी आई डी बाई टू एज इट इज लिख दिया, आर डी आपका यहाँ आ गया। ये आपका माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, जी एम टू वी आई डी आर डी बाई टू बन रहा है। इस इक्वेशन में से वी नॉट वन की इस इक्वेशन में से अगर मैं वी आई डी को वी नॉट वन के डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो वी नॉट वन ओवर वी आई डी ये गेन दिखा रहा है, यानी कि इस ट्रांजिस्टर का जो अपना गेन है वो क्या है, वी नॉट वन ओवर वी आई डी, और इस ट्रांजिस्टर का क्यू टू ट्रांजिस्टर का जो अपना गेन है वो है बेसिकली जी एम आर डी बाई टू, वी नॉट टू ओवर वी आई डी बराबर है जी एम आर डी बाई टू के। तो ये जो गेन्स आपने कैलकुलेट किए हैं ये सिंगल एंडेड गेन है। सिंगल एंडेड का मतलब है क्यू वन का अलग से आप गेन बता रहे हैं, क्यू टू का अलग से गेन बता रहे हैं, और डिफरेंशियल इनपुट जो आपने वी आई डी अप्लाई किया था उससे डिवाइड किया हुआ है। तो दीज आर द सिंगल एंडेड गेन, यानी कि एक एक ट्रांजिस्टर का अलग अलग गेन आप बता रहे हैं। अभी हम अगले स्टेप पे इसी का डिफरेंशियल गेन फाइंड करके देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जी एम इस सर्किट का कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे जी एम नज़र आ रहा है। वी नॉट वन ओवर वी आई डी तो चले ठीक है, इस जी एम वन की जगह कैलकुलेशन में मैं आया क्या पुट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ नोट कि जी एम का फॉर्मूला होता है 2 ID ओवर VGS माइनस VT। इस वक्त हर एक ट्रांजिस्टर का DC ड्रेन करंट क्या है, क्या कोई बता सकता है? देखें, ये जो सर्किट है, ये जो GM है, ये आपने उसूलन शायद DC एनालिसिस में कैलकुलेट कर लिया हुआ होगा, और अगर नहीं किया तो हम इसको यहाँ स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में कैलकुलेट करें बट यूजिंग द DC वैल्यूज। इन दोनों ट्रांजिस्टर्स का DC ड्रेन करंट क्या है? अगर आपको याद हो तो दोनों के गेट के ऊपर जो DC वोल्टेज दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है, VCM। That means the DC current, मैं AC की बात नहीं करी, the DC current is dividing equally between the two, यानी जो इस वक्त सप्लाई आए जो मैंने यहाँ से हटाई हुई है स्मॉल सिग्नल की वजह से, एक्चुअली में DC एनालिसिस के दौरान उसका करंट इसमें और इसमें हाफ हाफ डिवाइड हो रहा था। तो जब भी मैंने GM इस्तेमाल करते हुए DC करंट लिया है, ID चाहे वो Q1 का हो Q2 का हो सेम ही होगा, इसलिए मैंने ID1 ID2 नहीं लिखा, ID लिखा 2। ID की जगह बेसिकली मैंने लिखा I/2, क्योंकि किसी एक ट्रांजिस्टर के अंदर आधा करंट होगा और VGS माइनस VT की जो भी वैल्यू है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, I/VGS-VT या I/VOV अगर मैं कर लूँ तो मुझे इस सर्किट में जो गेन है उसके लिए GM जो चाहिए वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा अभी तक सो फार वी हैव कैलकुलेटेड द सिंगल एंडेड गेन, नाउ लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंशियल गेन। अच्छा डबल एंडेड डिफरेंशियल गेन अब हम फाइंड करेंगे, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जो V01 और V02 आपने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर फाइंड किए हैं, बेसिकली V01 हमने फाइंड किया था -GM RD VID/2। इस वक्त गेन की बात नहीं करी मैं, V01 की बात करी। गेन फाइंड करते वक्त मैं V01 और V02 के नीचे VID ले आई थी, नहीं, मैंने जब V01 से फाइंड किया था -GM RD VID/2 मैंने वो लिखा, माइनस का साइन ये इसका है, V02 का आंसर प्लस में आ रहा था, GM VID RD/2 ये लिखा। सॉल्व कर लें क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, दोनों हाफ हाफ हैं, तो जाहिर है 2 का टर्म जो डिनोमिनेटर में वो रिमूव हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, -GM RD। अब मैं जब सॉल्व कर चुकी हूँ तो मैं VID के टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, यानी V01 - V02 / VID, तो ये जो कुछ भी आया है V01 - V02 / VID, दिस इज़ कॉल्ड एज द डबल एंडेड डिफरेंशियल गेन। के इनपुट तो डिफरेंशियल था, ठीक है, डबल एंडेड का मतलब है कि दोनों के आउटपुट्स का डिफरेंस लेके आप ये फाइंड करें, तो दिस गेन विल बी कॉल्ड एज अ डबल एंडेड डिफरेंशियल गेन। V01 - V02 के बजाय यू कैन ऑल्सो डू V02 - V01, तो ज़ाहिर है ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, ये वाली टर्म बाद में आ जाएगी, तो उस वक्त आपका आंसर GM RD VID आ जाएगा। इसको सॉल्व करके खुद से देख लीजिएगा। तो इसको जब आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो V02 - V01 / VID GM RD, दिस इज़ अनदर डबल एंडेड डिफरेंशियल गेन। एक में V01 पहले, एक में V02 पहले है, बोथ कैन बी आस्क्ड, और कोई भी एक आप कैलकुलेट करके पेपर में दिखा सकते हैं। So here we are finishing this lecture.